हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 16 सोशल साइंस क्लास 9 की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इंडिया के फिजिकल फीचर में इंडिया डेजर्ट भी आता है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आप जानते ही होंगे कि इंडियन जो डेजर्ट है सहारा, ये थार डेजर्ट आपने सुना होगा राजस्थान में, तो ये बहुत ही हॉट डेजर्ट है जो कि वेस्टर्न मार्जिन्स एरिया में मतलब पाया जाता है। अरावली हिल्स यहाँ पर है और वो स्टेट का नाम है राजस्थान, यानी ये जो इलाका पड़ता है राजस्थान का इलाका पड़ता है जहाँ पे ये है, ये इंडियन डेजर्ट है। और इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, यानी रेत ही रेत है यहाँ पे, सैंड ड्यून्स बने हुए, रेत के टीले इस तरह के बने हुए हैं। अब देख लीजिए किस तरह के टीलेस ड्यून्स बने होते हैं, ठीक है। और दिस रीजन दिस इज वेरी लो रेनफॉल। अब हम इंडियन डेजर्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो सैंड सैंड है यहाँ पे, बारिश बहुत कम होती है। बारिश मतलब पूरे एक साल में 150 mm से भी कम बारिश होती है। इट हैज एरिड क्लाइमेट है, बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन, यानी यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम उग पाते हैं। अब रेगिस्तान जैसे इलाके में क्या उगेगा, कुछ नहीं उगेगा ना। तो ये यहाँ की कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ की देखिए। ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स इसको जो है क्या बोलते हैं, मरुस्थली इलाका भी बोलते हैं, यानी जो थार डेजर्ट है इसको मरुस्थली इलाका भी बोलते हैं। तो लोकेशन देख लीजिए पॉलिटिकल मैप में, अगर भरना है तो कहाँ भरेंगे। और ये थार डेजर्ट एरिया का देखिए पिक्चर है पूरा, आप देखिए किस तरह से यह रेत रेत है। और ये दिख रहा है ना बादशाह, ये क्या होता है, क्रिसेंट शेप, इस तरह का शेप बना होता है रेगिस्तान इलाके में। सैंड ड्यून मतलब इसको बोलते हैं कि ऊंचे ऊंचे इस तरह से ड्यून बने हैं, इस तरह से बने हैं, फिर आगे बने होंगे, ठीक है ना। ऑल द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। जो इसका रॉकी स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक फैला हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू तक इंडिया के। जो इसका सरफेस फीचर है वो डिफरेंट है बाकी पेनिनसुलर, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाकी इलाके है ना वहां से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हॉट है, रेतीला इलाका है, यहाँ की कंडीशन ड्राई है, विंड एक्शन है, हवाएं बहुत बहती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एरोजन भी होता है। एरोजन मतलब मिट्टी जो है रेत या अपनी जगह से हट जाती है। मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स, बचान, जुवेन, ये सारे यहाँ के लैंडस्केप है, मेन डेजर्ट लैंडस्केप। अगर पूछता है तो बचान क्या होता है, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून होता है, इस टाइप का सैंड ड्यून्स, ठीक है, क्रिसेंट टाइप का शेप का। और ये सारा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर प्रोमिनेंटली फाउंड अलोंग विद इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर के पास लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स पाएंगे, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है और ये वाला हमारा इंडिया तो है ही, ठीक है। थार डेजर्ट देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, जो हमारा थार डेजर्ट है उसको पढ़ लेते हैं इसके स्लोप के हिसाब से। एक है नॉर्थ पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, विच इज टूवार्ड्स सिंध प्रोविंस, जो कि सिंध प्रोविंस के पास है पाकिस्तान के। दूसरा है साउदर्न पार्ट, विच इज टूवार्ड्स रन ऑफ कच्छ, जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ है, जो रिवर है इस एरिया में। तो ये हमें दो पार्ट पता चलेगा ना, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, साउथ और नॉर्थ पार्ट। जो रिवर होती है ना इस इलाके की वो नॉन पेरेनियल है। नॉन पेरेनियल का मतलब क्या होता है, उनमें इतना पानी ही नहीं होता है। वजह क्या है, क्यों नहीं पानी होता है उनके अंदर, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है और एवोपरेशन तो बहुत ज्यादा होता है, भाव जो पानी होता है वहां बन के उड़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और कोई ग्लेशियर ओरिजिन तो है नहीं कि किसी बर्फ के इलाके से वो वहां से नदी निकल के आ रही है। तो जो ये रिवर है इनमें पानी कम मिलता है रिवर्स को, सिर्फ बारिश के मौसम में, तो इसीलिए इनको नॉन पेरेनियल बोलते हैं, क्योंकि कहीं किसी ग्लेशियर ओरिजिन से नहीं है, बर्फीले इलाके से शुरुआत नहीं होती है और पानी बहुत कम होता है। और जानते हैं ये जो रिवर से ये एग्जाम्पल है इन फ्लो रन ऑफ सिस्टम का। इन फ्लो रन ऑफ सिस्टम क्या होता है कि ये फ्लो करती है या तो किसी लेक में, झील में जाके गिरती है, या किसी प्लाया में जाके गिरती है, ये किसी डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर तक नदी बह रही है, ये किसी झील या प्लाया में जाके गिरती है और ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए इस डेजर्ट के रिवर को क्या बोलते हैं, इन फ्लो रन ऑफ सिस्टम। देर आर सलाइन लेक्स लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन, मतलब बहुत सारी झील है, सलाइन मतलब खारे पानी की झील भी है और डेजर्ट है एरिया में, और जिसमें नमक होता है, ठीक है, नमक इज ऑब्टेन और उसको कहते हैं प्लाया। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन द रीजन लूनी नदी है,
लूनी नदी ध्यान रखना है ये कहीं भी नहीं गिरती, किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है, इसी में नहीं गिरती है। और विच फ्लो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट, कंडीशन जो इनकी क्या है, मैंने बताया कि टेम्परेचर हाई होता है, बहुत टेम्परेचर होने की वजह से एवेपोरेशन हो जाता है, भाप बन के पानी उड़ जाता है, बारिश भी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इस इलाके में पानी की कमी है, पानी की कमी है। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं बच्चों, आपको समझ में तो आ गई होगी बच्चों, क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज थार डेजर्ट लोकेटेड, तो आंसर है वेस्टर्न पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम, तो आंसर होगा रिवर इन थार डेजर्ट जो कि पानी सिर्फ बारिश के मौसम में मिलता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम का, क्योंकि ये किसी भी लेक तक जाती है या फिर या कहां जाती है, हमने पढ़ा था प्लाया, तो यहाँ पे प्लाया वर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लाया आएगा, लेक या प्लाया में गिरती है कोई डिस्टेंस कवर करने के बाद, और ये समुद्र में नहीं मिल पाती, इसलिए इन्हें इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम कहते हैं, जो है रिवर का सिस्टम है। व्हाई आर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर रिवर्स इन थार डेजर्ट नॉन पेरेनियल, नॉन पेरेनियल क्यों कहलाती है, वजह यही क्योंकि उनके में पानी बहुत कम होता है, इन नदियों में पानी बहुत कम होता है, ठीक है, और पानी सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी टू क्लाइमेट कंडीशन, कोई भी दो क्लाइमेट कंडीशन बतानी है थार डेजर्ट की, तो हमने देखिए 1, 2 और 3 लिख दी है। पहला तो ये कि हॉट डेजर्ट एरिया, दूसरा हम लिख सकते हैं बहुत ही कम रेनफॉल, बारिश कम होती है, पानी कम मिलता है, और एरिड क्लाइमेट है, लेस एरिड क्लाइमेट मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होती है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, कांटेदार पौधे आपने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू लैंडस्केप, थार डेजर्ट के कोई भी दो लैंडस्केप बताने, तो देखो हमने लिखा है पहला मशरूम रॉक, दूसरा सैंड ड्यून, तीसरा बचान एंड चौथा जुगेन, कोई दो लिखने थे, चारों हमने लिख दिए ताकि आपको ध्यान रहे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो थार डेजर्ट है उसके कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, उसके दो मेन पार्ट्स हैं, उनके नाम बताने हैं, दो पार्ट तो मैंने बता दिया आंसर, आप उनके नाम जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं, ये आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।